गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, पौधों में प्रजनन। तो हमने देखा कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड, तो प्रजनन कैसे सीड से होता है रिप्रोडक्शन, जर्मिनेशन पौधों में कैसे जर्मिनेशन होता है, डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट, तो बीज का डिस्पर्सल कैसे प्लांट करते हैं। फिर हमने देखा रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर प्लांट, तो पेड़ पौधों में सीड के अलावा और भी अलग भागों से रिप्रोडक्शन होता है हमने देखा। आज हम लोग चैप्टर पेज नंबर 18 पर देखेंगे क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। तो व्हाट इज़ क्रॉप? प्लांट ऑफ द सेम काइंड ग्रोन इन ए पर्टिकुलर एरिया और रीजन एट ए पर्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो एक निश्चित क्षेत्रफल में एक निश्चित समय पर एक निश्चित प्रकार की बोए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। एक निश्चित एरिया में एक निश्चित क्षेत्रफल पर एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रकार के बोए जाने वाले पौधे फसल कहलाते हैं। और एग्रीकल्चर द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर प्रोडक्ट आर कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग प्लांट ऑन ए लार्ज स्केल, तो पौधों को बहुत बड़े पैमाने पर बोना फॉर फूड भोजन के लिए और अदर प्रोडक्ट या दूसरे उत्पादों के लिए, भोजन के लिए या दूसरे उत्पादों के लिए पौधों को बहुत बड़े पैमाने पर बोना ही खेती कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। अब आपने देखा कि क्रॉप किसे कहते हैं, फिर एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, अब फार्म किसे कहते हैं। द प्रैक्टिस द पर्टिकुलर एरिया इन विच क्रॉप इज़ ग्रोन इज़ कॉल्ड फार्म। वह निश्चित भूभाग, वह निश्चित एरिया क्षेत्र जहां पर फसल बोई जाती है वह फार्म कहलाता है। एंड द पर्सन हु वर्क ऑन ए फार्म इज़ कॉल्ड फार्मर। और वह व्यक्ति जो फार्म पर काम करता है वह फार्मर किसान कहलाता है। वाइल ग्रोविंग ए पार्टिकुलर क्रॉप द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो फसल बोते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिफरेंट क्रॉप ग्रोन वेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉयल। तो अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरह की फसलें अच्छे से उगती हैं। द सीड शुड बी सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉयल टू इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। तो फसल की ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए तो राइट टाइप की मिट्टी में ही सीड को बोना चाहिए। तो राइट टाइप की मिट्टी मतलब जो उचित मिट्टी में उचित बीज का ही चुनाव करना चाहिए। जैसे किसी मिट्टी में धान की फसल अच्छी होती है, किसी मिट्टी में गेहूं की फसल अच्छी होती है, कोई मिट्टी है जहां पर आलू की फसल अच्छी होती है, कुछ ऐसी मिट्टी हैं जहां पर बाजरे की खेती अच्छी होती है, कुछ ऐसी मिट्टी हैं जहां पर कॉटन की खेती अच्छी होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हमें उचित मिट्टी में उचित फसलों का ही चुनाव करना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू यूज़ गुड क्वालिटी सीड। तो यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें अच्छे क्वालिटी के सीड का चुनाव करना चाहिए, अदरवाइज़ वी विल नॉट ऑब्टेन ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप। अगर ऐसा नहीं होगा तो अब हम अच्छा और स्वस्थ फसल का उत्पादन नहीं ले पाएंगे। डिफरेंट क्रॉप ग्रो इन डिफरेंट सीजन। अलग अलग फसलें अलग अलग मौसम में बोई जाती हैं। फॉर सम क्रॉप लाइक राइस एंड मेज आर ग्रोन इन समर फ्रॉम जून टू अक्टूबर। कुछ फसलें जैसे धान और मक्का वो गर्मी के मौसम में जून में बोए जाते हैं और अक्टूबर में इनकी कटाई होती है। दीज आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। इन फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। क्रॉप लाइक वीट एंड ग्राम आर ग्रोन इन विंटर। तो फसल जैसे गेहूं और चना ये ठंडी के मौसम में बोए जाते हैं, नवंबर में बोए जाते हैं टू अप्रैल, नवंबर से लेके अप्रैल तक इनकी कटाई होती है, आर कॉल्ड रबी क्रॉप। तो खरीफ की फसलें किसे कहते हैं? खरीफ की फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो जून के महीने में बोई जाती हैं
और अक्टूबर महीने में काटी जाती हैं, जैसे धान, मक्का, बाजरा, ये सब क्या हैं, खरीफ की फसलें हैं। और रबी की फसलें क्या हैं, जो नवंबर में बोई जाती हैं, अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे गेहूं, चना और मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सो द राइट सीड इन द राइट सीजन, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सही मौसम में सही बीज को बोना चाहिए। द फील्ड वेयर ये क्रॉप इज़ ग्रोविंग शुड बी प्रॉपरली इरीगेटेड, तो वह ज़मीन जहाँ पर हम सीड बीज को बो रहे हैं वह उसमें नमी की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, अदरवाइज द क्रॉप मे बी ड्राई एंड डाई, अगर ऐसा नहीं होगा तो फसल सूख जाएगी और मर जाएगी। द क्रॉप इज़ प्रोन टू डैमेज बाई पेट्स, बर्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल एंड डिजीज, तो फसल को बचाना चाहिए जैसे जानवरों से, चिड़िया से, और उनको चरने से, जानवरों के चरने से फसल को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईट कैन बी प्रोटेक्टेड इन द फॉलोइंग वेज, निम्नलिखित तरीकों से फसल को बचाया जा सकता है, प्रॉपर फेंसिंग, अच्छी तरह से बाड़ लगा करके फसल को बचाया जा सकता है, और स्प्रेइंग केमिकल कॉल्ड इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, तो कीटनाशक रसायनों का छिड़काव करके फसल को बचाया जा सकता है, यूजिंग स्कार क्रोज, तो पुतला बना करके फसल खेत में पुतला बना करके फसल को चिड़ियों से या जानवरों से बचाया जा सकता है, स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप प्रॉपरली इन सील्ड कंटेनर, तो हार्वेस्टेड क्रॉप जो है मड़ाई करने के बाद जो बीज हमको मिले हैं इनको सील्ड कंटेनर में रखना चाहिए जिससे हमारे ग्रेन को नमी से बचाया जा सके। आप पेज नंबर 20 क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या है, उगना किसे कहते हैं, तो जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस, इसका आंसर है जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस, तो जर्मिनेशन एक प्रक्रिया है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इंटू सीडलिंग, तो बीज का अंकुर में बदलना, बीज का अंकुर में बदलने की क्रिया ही जर्मिनेशन कहलाती है, बीज को अंकुर में बदलने की क्रिया जर्मिनेशन कहलाती है। तो क्वेश्चन वन हो गया। क्वेश्चन टू, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो डायग्राम की सहायता से सीड को एक्सप्लेन करना है, तो डायग्राम आप बना लेंगे जिसमें सीड कोट और कोटैलिडान, ये बीज पत्र बनाएंगे, और सीड का, सीड किसे कहते, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ए सीड कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट, कोटेलिडांस और द सीड लीव्स एंड द बेबी प्लांट, तो क्वेश्चन वन टू आप SW कॉपी में करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।